हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू, और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये अडेनियम की कटिंग है और मैंने अभी अडेनियम को जल्दी प्रून किया हुआ है। उनसे निकली हुई ब्रांचेस हमारे यहाँ ये रखी हुई हैं। मैंने इन्हें एक पेपर पर रख करके और पूरी तरह से छाया में रख दिया था और ये अभी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं। आज मैं इनकी कटिंग लगाने वाली हूँ। अगर आप सभी अडेनियम की कटिंग लगाना चाहते हैं तो प्रून करने के बाद जो भी ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें ऐसे कटिंग आप लगा दीजिए तो एक प्लांट आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा रेडी हो जाता है। जैसे प्लांट होते हैं उन्हीं की कटिंग होती है, तो सेम उसी तरह प्लांट नया रेडी हो जाता है। इसके लिए से मैं इन्हें लगा रही हूँ और लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया हुआ है। तो चलिए इस कटिंग को लगाते हैं। किस तरह से लगाना है ये मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये है हमारी वो मोटी पतली सभी तरह की कटिंग है। अब देखते हैं इसमें कौन सी कटिंग मुझे लगानी है, वो मैं लगाऊंगी। इसके लिए से मैंने मिट्टी ली हुई है, मिट्टी अच्छी तरह से वेल ड्रेन है और ये हमारे गार्डन की पुरानी मिट्टी है। पुरानी मिट्टी को लेने के बाद में मैंने इसमें सैंड ली हुई है और थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, कुछ दाने मैंने DAP के लिए हुए हैं। इसी सॉयल मिक्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स करने वाली हूँ और इसी मिक्स में मैं लगाने वाली हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पर पॉट भी लिया हुआ है। ये है वो पॉट मिट्टी का जो मैंने लिया है और इसे मैंने ड्रेनेज होल पर देखिए एक गमले का टूटा हुआ टुकड़ा लगाया हुआ है। इसकी ऊँचाई ज़्यादा नहीं है, इसी पॉट में मैं ये कटिंग लगाने वाली हूँ। सैंड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि कटिंग हमारी 100% सक्सेस हो। तो इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम पॉट में डालेंगे। इतनी सारी मैंने कटिंग छांट करके ले ली है और इसे कुछ करना नहीं है, सिंपल इसे मिट्टी में धंसा देना है यानी दबा देना है। ये है एलोवेरा जेल जो मैंने लिया हुआ, इसे मैं काट करके और इसी में डिप करके इस कटिंग को लगाऊंगी। ये फ्रेश जेल है जो एलोवेरा का है, इसे ही इस तरह से रखेंगे, एक एक कटिंग को लेंगे इस तरह से और इसका जो सूखा वाला भाग है उसे इस तरह से इसमें डिप करेंगे। और कुछ इस तरह से इसे धंसा देंगे। थोड़ा सा भाग इसका मिट्टी में दबना चाहिए। इतना पार्ट दबाना है कि ये अच्छी तरह से स्टैंड हो सके। आप चाहें तो एलोवेरा जेल में इसे डिप करके लगा सकते हैं, अगर हल्दी पाउडर में डिप करके लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई रूटिंग हार्मोन आपके पास हो उसमें डिप करके लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं कटिंग देखिए लगा रही हूँ। तो एक हाथ से उतना ठीक नहीं लगता है इसलिए से मैं इसे लगा लेती हूँ और लगाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। इस तरह से मैंने सारी कटिंग को लगा दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मिट्टी और साइड से डाल देते हैं ताकि कटिंग हमारी जो है वो अच्छी तरह से स्टैंड रहें और ये गिरे नहीं। वैसे तो मैंने इसे उंगली की हेल्प से थोड़ा सा दबा दिया है लेकिन पानी डालने पे ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और फिर हो सकता है कि ये गिर ना जाए, इसलिए इसे थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल देना है और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे पानी। पहली बार इसे थोड़ा अच्छे से पानी दे देना है और अब इसे हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ कि इसे सुबह की धूप मिले और शाम की थोड़ी सी छांव रहे, क्योंकि शाम को थोड़ा मौसम तेज़ हो रहा है, धूप तेज़ हो रही है। अभी हम 3-4 दिनों तक इसे इसी तरह से रखेंगे, उसके बाद से हम इसे अच्छी सनलाइट में रख देंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसे चलिए ऐसी जगह रखते हैं जहाँ इसे सुबह की धूप मिले और शाम की इसे छाया मिले।
बार बार इसमें पानी नहीं देना है, पानी इसे पसंद नहीं है, इसलिए से अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये कटिंग हमारी फेल भी हो सकती है, इसलिए इसे बहुत कम पानी देंगे। और अब इसे चलिए रख देते हैं, कुछ दिनों बाद इसकी क्या अपडेट होती है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह से लगाते हैं अडेनियम की कटिंग, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लगाएंगे और अपने गार्डन में अडेनियम के कई प्लांट बनाएंगे। वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।